व्यक्तित्व हमें यह करना है, अरविंद केजरीवाल की तरह बढ़ करके मरना है या हिम्मत के साथ मुकाबला करके मरना है, तय किए। अरविंद केजरीवाल के पास, वरिष्ठ सिसोदिया जी के पास, संजय सिंह के पास, अरविंद जैन के पास जेल जाने से बचने के बहुत सारे ऑप्शन थे। कल से लगातार चल रहा है शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का साउथ का जो आदमी सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसको इन्होंने बनाया था भाजपा और रेड्डी ने, शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए लेकर के उसको जमानत भी दे दी, उसे छुट्टी भी दे दी, क्यों, समझौता कर लिया। और वो पैसा आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज सारा इलेक्टोरल बांड का किस्सा चिट्ठा सामने आ गया। पैसा ईडी ढूंढ रही है, आम आदमी पार्टी को कितना पैसा मिला, पैसा मिला कहां, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60,000 करोड़ मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वो चोरों को भी पकड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने चंदा चोरों को भी पकड़ लिया है आगे देश के सामने। इसलिए साथियों आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे परिवार को यहां बुलाया इसलिए गया है कि आप हमें, हम सबको अपने लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, देश के लिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में अब क्या होता है। सबको लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह जेल में, अब अरविंद केजरीवाल भी गए जेल में, तो आम आदमी पार्टी तो खत्म। क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या आप डर जाओगे? क्या लड़ाई हमारी बंद हो जाएगी? तो फिर लड़ने के लिए अपने अंदर का डर खत्म करना पड़ेगा और एक एक कदम रणनीति बना करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज चूंकि कल 2-3 दिन से लगातार हम भाग दौड़ में थे, कल होली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां इकट्ठा इसलिए हुए कि आगे की रणनीति सही से हम बना करके लड़ेंगे। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक टर्निंग प्वाइंट बनने जा रही है। एक चिंगारी पूरे जंगल को चला करके खा कर, इस भ्रष्ट तानाशाही के निजाम में आखिरी तीर कील अरविंद केजरीवाल को ठोंकने का। 6 महीने से जो हम कर रहे थे, करूं गिरफ्तार न करूं गिरफ्तार, करूं गिरफ्तार न करूं गिरफ्तार, करूं गिरफ्तार न करूं गिरफ्तार, जब चारों तरफ से उन्होंने सुनिश्चित कर लिया यहां विधायक खरीदा, यहां गठबंधन तोड़ा, वहां विधायक खरीदा, उसको जोड़ा, उसको तोड़ा, उसको मरोड़ा, सारा जब इन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि अब देश में उनका साम्राज्य 400 पार से स्थापित होने जा रहा है, वो कहते हैं कि जब विपरीत समय आता है तो बुद्धि जो पलट जाती है, उनको सुन के सारे सूत्रों ने, सारी एजेंसियों ने सूचित कर दिया कि अब 400 पार सुनिश्चित। ऊपर वाले ने कहा केजरीवाल को अंदर डालो, वो तुम्हारा जो है 400 को 40 में बदल देगा। आज देश में रही बात अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न है, मीडिया वाले रोजाना हमारे दिमाग में डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे, सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कल भी पार्टी चल रही थी, सरकार चल रही थी, आज भी पार्टी चल रही है, सरकार चल रही है और कल भी पार्टी चलेगी और सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल
कहीं भी 7-7 पार भेज दो तब भी पार्टी और केजरीवाल अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, चला रहे हैं और चलाए। उनकी शरीर को गिरफ्तार कर लिया है, अगले साल तक होली बनाने लायक किसी को ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस संदेश दीजिए, 26 तारीख को पीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम है, किसको किसको उसमें आना है वो सूचना आपको मिल जाएगी। नहीं, सबको नहीं आना है, जिसको आना है यहां से संगठन की तरफ से सूचना मिल जाएगी। उसके साथ साथ आज सभी लोग, पुलिस की जो पूरी रवैया है, न तो उन्होंने सीएम हाउस पे हमें इकट्ठा होने दिया, न तो आईटीओ पे हमें इकट्ठा होने दिया, कल जो है शहीदी पार्क पर भी हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। हमारा पार्टी का ऑफिस सील किया हुआ है, यहां भी हम मीटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से जो है पुलिस जो है वो चारों तरफ से घेरे। राम लीला मैदान हम चूज कर रहे हैं, और वही रामलीला मैदान 31 तारीख से अरविंद केजरीवाल के विचारों के साथ मिलकर के इस तानाशाही को खत्म करने की तरफ अपना अभियान शुरू करेगा। रामलीला मैदान में चप्पे चप्पे पर लोग होने चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। जाओ नौजवानों के पास जाओ, हमारे समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के विचारों को, उन सबको भी आपको मैसेज करना है। 31 तारीख को दिल्ली चलो, तानाशाही को मिटाने के लिए दिल्ली चलो, रामलीला मैदान चलो का नारा आज के बाद गूंजना चाहिए। और ऐसी महारैली 31 तारीख को हमें करनी है कि उनको पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। मरना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे, जीना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार नारा लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी पूरा इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, संदीप पाठक की जो है आपके साथ और डिटेल बात करेंगे हमारे सारे साथी। मुझे 1 बजे वहां पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या ऊर्जा है आपका संदेश जो पिछले दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं जंतर मंतर से आज तक शायद मेरी जिंदगी आंदोलनों के लिए बनी। आज मैं चूंकि 3 दिन से मैं देख रहा था तो मेरे दिल में थोड़ा दर्द हो रहा था कि शायद आपका डर अभी निकला नहीं है, और अगर आज अब निकल गया है डर तो आपकी आवाज में वो बुलंदी आनी चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, अरे बहुत बहुत धन्यवाद।